आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शाहजहांपुर में कोर्ट के अंदर अधोक्ता की हत्या को लेकर वकीलों ने दीवानी परिसर में प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद MG रोड पर प्रदर्शन किया, जिससे जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया। शाहजहांपुर कोर्ट के अंदर अधिवक्ता की दिनदहाड़े हुई हत्या से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने दीवानी परिसर में फेरी निकाली, इसके बाद MG रोड पर जाम भी लगा दिया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अधिवक्ता सड़क पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था, शाहजहांपुर कोर्ट में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे साफ हो जाता है कि अब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ताओं ने सुरक्षा अधिनियम लागू करने की भी मांग की है। शाहजहांपुर के अंदर भूपेन्द्र सिंह नाम के अधिवक्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनिवास जनमंच ने बैठक में निर्णय लिया, आज इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज अधिवक्ता सिविल कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद में प्रभात फेरी निकाली और प्रभात फेरी निकालने के बाद MG रोड पर अधिवक्ता आए और जनमंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने MG रोड पर प्रदर्शन किया। MG रोड पर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता और पुलिस के बीच तड़का भड़की भी हुई। काफी समय तक जाम लगा रहा, जिसके चलते वाहनों की लंबी लाइन लग गई। अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद ही अधिवक्ता सड़क से हटे। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।